हेलो माय लवली बेकर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो केक आप लोग देख रही हो, एक केक मैं अपने एक स्टूडेंट के बर्थडे के लिए बना रही हूँ। और आज का केक स्पेशली मैं मेरे स्टूडेंट के लिए ही बना रही हूँ। और आज का ऑर्डर मेरे पास आई थी तो उस लोगों ने मुझे बोला बस 1 पाउंड के केक बना दीजिए, कोई फ्लेवर या डिज़ाइन कुछ नहीं बोली थी। तो मैंने उस लोगों को पूछा भी था, लेकिन उस लोगों ने बोला कि अपने हिसाब से आप बना दीजिए फ्लेवर और डिज़ाइन। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बना दूँगी। तो असल में मैं आज बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की केक, और स्पेशली मैं पाइनएप्पल से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मेरा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की केक बनाने जा रही हूँ। तो केक बनाने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप होता है, वो होता है स्पॉन्ज को बेक कर लेना। तो स्पॉन्ज बिना तो केक बनेगा नहीं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज को बेक कर लिया। और आज का स्पॉन्ज मैंने प्रीमिक्स से बनाया हूँ, और ये दुकान का प्रीमिक्स है। तो प्रीमिक्स से बनाने के लिए उसका रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं बहुत सारे वीडियो में बोल भी चुकी हूँ, तो फिर भी और एक बार शेयर कर देती हूँ। तो प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाने के लिए 1 कप प्रीमिक्स लेना है आपको मेजरमेंट कप से। तो उसको अच्छी तरह से छान लेना है। कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अगर केक बनाने के लिए आप लोग यूज़ करते हो तो उसको केक बनाने के पहले अच्छी तरह से छान लेना है। और छानने के बाद उसके साथ 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल ऐड किया, फिर अच्छी तरह से पानी दे के एक बैटर बना लिया स्मूथ सा। फिर आपको जिस फ्लेवर का केक बनाना है उसी फ्लेवर का एसेंस आप लोग ऐड करके और एक बार मिक्स कर लो। फिर लो फ्लेम पे गैस पे या फिर ओटीजी में बेक कर लेना है 30 मिनट के लिए। तो फिर हम लोगों का जो स्पॉन्ज है वो बेक हो जाएगा। तो मैं इस तरीक़े से स्पॉन्ज को बेक कर लिया और उसको ठंडा कर लिया। और ठंडा करने के बाद मैं इसको 3 लेयर में कट कर लिया, क्योंकि 1 पाउंड के केक के लिए 3 लेयर में कट करना ही होता है। अगर आप स्पॉन्ज बड़ा बनाते हो, जो स्पॉन्ज का जो मेज़रमेंट है 1 पाउंड के केक के लिए, तो उसके ज़्यादा मेज़रमेंट आप यूज़ करते हो स्पॉन्ज के लिए, तो उसी हिसाब से तो 2 लेयर में कट कर लो तो फिर हो जाएगा। लेकिन जो 1 पाउंड के केक के लिए स्पॉन्ज का मेजरमेंट है, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग स्पॉन्ज बनाते हो तो उसको 3 लेयर में तो कट करना ही पड़ता है। तो 3 लेयर में कट करने के बाद इसका जो लेयरिंग है वो मैंने कर लिया, क्राम कटिंग जो है वो कर लिया। और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लेयरिंग क्राम कटिंग मैं बहुत सारे वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ A to Z, तो इसलिए मैं इस वीडियो में पूरे तो नहीं दिखाया, क्योंकि सभी दिन एक चीज़ क्या दिखाए तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं वो पार्ट थोड़ा स्किप कर दिया। तो कुछ दिक्कत नहीं, अगर आप लोगों को कुछ लोग नए हो मेरे चैनल पर, आप लोगों को वो वीडियो देखना है, तो कुछ नहीं, मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो। मेरे पहले जो वीडियो है ना, बहुत सारे वीडियो में मैं लेयरिंग, क्राम कोटिंग, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के केक की दिखा चुकी हूँ। और इधर आइसिंग करने के टाइम मैं केक की साइड पे थोड़ा सिडेट देना चाहती थी कुछ कलर की, तो इसलिए मैं जो स्क्रैपर होता है उस स्क्रैपर से कुछ कलर मैंने ऐड कर लिया स्क्रैपर में। और उसी कलर ऐड करने के बाद मैं स्क्रैपर को जिस टाइप का जो केक में फिनिशिंग देने के लिए यूज़ करते हैं ना, अच्छी तरह से स्मूथनिंग करने के लिए, तो उसी टाइप का किया। और साइड में थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया हम लोगों का, और शेडेड दिख रही है येलो और रेड की, तो बस बहुत ही हल्का सा दिख रही है। और साइड पे जो कलर हम लोगों ने यूज़ किया वो मैं ऊपर की साइड में थोड़ा लगा दिया, तो ऊपर में भी थोड़ा येलो कलर की शेडेड दिखा। तो इसी जगह पे तो आप लोगों को सही तरीके से दिख नहीं रही है, मैं लास्ट में थोड़ा 1-2 पिक्चर ऐड कर दूँगी, तो उसमें आप लोग अच्छी तरह से दिख पाओगे कि कैसा शेडेड बना है। तो बस आइसिंग करने के बाद मैंने लिया हूँ R11 नोजल, और मैं पाइपिंग बैग में रेड कलर ऐड कर लिया हूँ एक साइड पे, और वाइट क्रीम फिल कर लिया। और इसी टाइप का मैं फ्लावर नेल के ऊपर 4 पेटल्स वाला जो फ्लावर मैं बनाती हूँ, मैं और कुछ केकों में यही डिज़ाइन बना के दिखा भी चुकी हूँ। तो वही डिज़ाइन मैं एक एक के ऊपर एक साइड में 3 फ्लावर बना लिया 4 पेटल्स के, बस उल्टा यू करते जाना है, और फ्लावर नेल के ऊपर 2 राउंड घुमा के एक बेस बना लेना है। और केक के ऊपर जब हम लोग उसी फ्लावर को बिठाऊँगे तो उसके पहले एक बेस बना लेना है। और केक की और एक साइड में तो पूरे ब्लैंक थे, तो उसी साइड में मैं N1 नोजल से इसी डिज़ाइन बना दिया, तो पूरे केक भी कवर हो गया। और मिडिल में मुझे नाम लिखना था और हैप्पी बर्थडे लिखना था, तो इसलिए मैंने ब्लैंक रखा। तो आज का डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।